फिर से कई लाखों मुसलमान एक साथ जमा हो सकते हैं और इंसाफ की मांग कर सकते हैं। हाँ, आपने इसे सुना, क्योंकि आप सभी को पता होगा 23 सितंबर को यानी कि इम्तियाज जलील ने जिस तरह से रैली निकाली थी औरंगाबाद से लेकर दो मुंबई तक, जहां पे हज़ारों की तादाद के अंदर गाड़ियां नजर आ रही थी और लाखों की तादाद के अंदर पब्लिक नजर आ रही थी। अब ये तो थे इम्तियाज जलील, लेकिन आपको बता दूं इस वक्त की जो खबर निकल कर आ रही है, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, वो भी असद नवीसी के पेज से निकल कर आ रही है, जो कि आपको साइड में पोस्टर दिखे जाऊंगा, जहां पे क्लियरली ऐलान कर दिया असदुद्दीन अवैसी ने और साथ ही साथ इम्तियाज जलील, यानी कि आप सभी को बता दूं कल इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी यानी कि 25 तारीख को मुंबई आ रहे हैं, जहाँ पे आपको पोस्टर पे लिखा हुआ दिख रहा हो कि आ रहा हो मुंबई। मतलब आप सोच रहे हो कि ये तो इम्तियाज जलील थे, इनके रैली के अंदर इतने सारे लाखों लोग जमा हुए, तो जरा सोचो असदुद्दीन अवैसी के रैली के अंदर कितने लाख लोग जमा हो सकते हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि कल कितने सारे मुसलमान, मतलब लाखों की तादाद के अंदर जहाँ पे असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील फिर से आ रहे, तो जरा सोचो कितने लाखों लोग जमा हो सकते हैं और इंसाफ की मांग कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को बता दूं इतनी सारी रैली निकालने के बाद, इतनी FIR दर्ज करने के बाद, अभी तक भी नीतीश राणे और रामगिरी महाराज पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब ये सारी जो भी चीज़ें भी हो रही, जो भी कल भी रैली निकली थी वो कार्रवाई के लिए निकली थी, आप सभी को पता होगा इंसाफ के लिए रैली निकली थी, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई। अब इसी पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए, और कल की जो भी अपडेट निकल कर आएंगी असदुद्दीन अवैसी के बारे में, कल जो भी वीडियो निकल कर आएंगे, तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए।